रिव्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। युवक की हत्या में तीन आरोपी गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा खटावदा मार्ग पर 8 सितंबर को बाइक से लौट रहे युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला शनिवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष सात आरोपियों की तलाश जारी है। सीआई रंजीत सिंह के अनुसार 8 सितंबर को खटावदा निवासी ओम प्रकाश मीना देर रात अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे छितरलाल, सुरेशलाल, खेमराज, महावीर, पुष्पा, रामपाल, मंजूबाई, अनीता, राजकुमार व मनभरबाई ने एक राय होकर उस पर धारदार हथियारों व लड़कियों से हमला कर दिया और फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने रविवार को सुमर के जंगलों से आरोपी खटावदा निवासी रामपाल, पनवाड़ निवासी सुरेश और दहीखेड़ा निवासी हंसराज को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों की पुलिस तलाशी कर रही है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के अपहरण पर वो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले थाना बेमेतरा ने धारा 363 भादवी का मामला दर्ज किया था। अपहरण के मामले में अपहृता व आरोपी की तलाश कर रही है। इस दौरान सिग्मा थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी युगल वर्मा के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया है। आरोपी ने 5 फरवरी को नाबालिग को शादी का प्रबोधन देकर भला फुसला कर भगाकर महाराष्ट्र ले गया, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी युगल वर्मा व धर्मपाल वर्मा को गिरफ्तार कर 9 मार्च को कोर्ट में पेश किए करेंगे। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, पिता पुत्र को गोली मारी। दिल्ली के यमुना बिहार में कार पार्किंग को लेकर बवाल की खबरें सामने आई है। इस मामले में कार मालिक ने 10 से 15 लोगों को बुला लिया और बहस के बाद कुछ बदमाशों ने पिता पुत्रों को गोली मार दी। पिता की हालत गंभीर है और पुत्र का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कार पार्किंग विवाद को लेकर पीड़ित पुत्र के भाई सौरभ अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार की रात जब मेरे पिता और भाई घर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक कार पास की सड़क को रोक रही है। कार खड़ी होने के कारण उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके बाद मेरे पिता और भाई ने सड़क पर खड़ी कार चला रहे शख्स से गाड़ी थोड़ा आगे करने को कहा। इस बात पर कार का मालिक नाराज हो गया। कार मालिक ने देखते ही देखते 10 से 15 लोगों को इकट्ठा कर लिया। सौरभ ने यह भी बताया कि अनुरोध करने के बाद भी कार सवार ने मेरे पिता और भाई को गाली देना शुरू कर दिया और धमकी भी दी। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने मेरे भाई और पिता को गोली मारकर घायल कर दिया। मेरे पिता की हालत गंभीर और भाई घायल है। भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में नागलोई थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।